आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के बीस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10 के गणित पढ़ाने वाला हूं। और आज के क्लास में आप सभी आलेख खींचना सीखेंगे और आलेख की प्रश्नावली 2 की भी हल करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 2 का बी पढ़ने वाले हैं। और ये भारतीय भवन के गणित की प्रश्नावली है। यहाँ पहला प्रश्न है कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो, लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। दूसरा कह रहे समानांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तीसरा समपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स आप लोगों को दिखाऊंगा सारणी बनाकर, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे शर्त, शर्त के बाद लिखेंगे हलों की संख्या, हलों की संख्या। इसके बाद ये हलों की संख्या है। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे युग्म का नाम, युग्म का नाम। और चौथा बॉक्स जो होगा इसमें लिखेंगे लेखा चित्र, लेखा चित्र। ठीक है, ये चार बॉक्स हैं। ठीक है, आप लोग इन चारों को ध्यान से देखेंगे। पहला, अगर शर्त हो कि a बटे डी नॉट इजकल टू b बटे, अगर ऐसा हो कि a बटे डी नॉट इजकल टू b बटे हो, तो इसमें एक और केवल केवल एक हल होगा, केवल और एक केवल एक हल, इसको कहा जाता है अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक है, उसके बाद इस युग्म का नाम होता है अविरोधी, अविरोधी। और लेखा चित्र होगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा शर्त कहा जाए कि a बट्टे डी इजकल टू b बट्टे ई इजकल टू c बाई एफ, ठीक है, c बाई एफ तीनों बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल। ठीक, और इसे कहा जाता है आश्रित, आश्रित। और ये होता है संपाती, ये लेखा चित्र होगा संपाती। ठीक है, तीसरा शर्त होता है a बटे डी इजकल टू b बटे ई नॉट इजकल टू c बाई ए। ठीक, a बटे डी बराबर हो b बटे ई के, लेकिन तीसरा c बटे एफ के बराबर नहीं हो, तो इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और कोई हल नहीं होगा तो इसको कहा जाता है विरोधी, विरोधी। और इसका लेखा चित्र होगा समानांतर, समानांतर। इसका लेखा चित्र होगा समानांतर। तो ये बॉक्स आपको समझ लेना, याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा और बता देते हैं, अगर शर्त में a बटे डी नॉट इजकल टू b बटे हो, तो इसको हल करेंगे तो एक और केवल एक हल आएगा, इस युग्म को हम लोग अविरोधी कहेंगे। और इसमें लेखा चित्र जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, उसके बाद a बटे डी इजकल टू b बटे ए इजकल टू c बाई ए तीनों बराबर हो, तो इसमें अनगिनत हल होगा। ठीक है, इतने हल होंगे जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। और इस युग्म का नाम होगा आश्रित। और इसका लेखा चित्र होगा संपाती। ठीक है, उसके बाद तीसरा a बटे डी इजकल टू b बटे ए नॉट इजकल टू c बाई ए, यानी तीसरे के बराबर नहीं हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो इस युग्म का नाम होगा विरोधी। और यह दोनों लेख आलेख एक दूसरे के समानांतर जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं नोट करने से पहले यहां देख लीजिए, आपसे कहा था ना कि दो एक घातीय समीकरणों के हल लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। अब बताइए हलों की संख्या कितनी होगी पहले नंबर के लिए। तो पहले नंबर के लिए प्रतिच्छेदी हो, यानी कि इसको कह रहा है प्रतिच्छेदी हो, तो हलों की संख्या कितना होगा, यही ना होगा, यानी कि एक और केवल एक। ठीक है, एक और केवल एक होगा पहले वाला का आंसर। ठीक है, उसके बाद
दूसरा क्या है कि समानांतर हो, देखिए समानांतर के लिए यही है ना, तो समानांतर में हलों की संख्या कितनी होगी, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। उसके बाद तीसरा में करें संपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, संपाती होगा तो हलों की संख्या कितना होगा जी, देखिए यहाँ पे दिया है कितना होगा अनगिनत, तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत, अनगिनत। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिच्छेदी हो तो एक और केवल एक हल, और समानांतर हो तो कोई हल नहीं, और संपाती हो तो अनगिनत हल होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसे जरूर नोट करके इसे एक दो बार रिपीट करके दोहरा लेंगे और समझ लेंगे और याद कर लेंगे, इसे एक नंबर ये आपका आना ही है बोर्ड परीक्षा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अब हम लोग देखेंगे दो का एकड़ समीकरण 4x-3y = 12 की लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करना है, यानी कि इस समीकरण में लेखा चित्र हमें खींचना है और खींचने के लिए बस इस सारणी में जो डैश दिया ना इसको भर देना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे भरते हैं, हल करेंगे। तो हमें समीकरण दिया गया है 4x-3y = 12, ठीक है। अब चूंकि हमें यहाँ x का वैल्यू मिल रहा है 0, x बराबर 0, तो इसलिए जहाँ x हमें दिख रहा है वहाँ रख देंगे 0, यानी 4×0-3y = 12। तो 0 से ये गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो -3y = 12, यानी कि y = 12/-10, 3×4=12 में कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया -4। तो देखिए यहाँ y का वैल्यू हम लोग भर देंगे -4, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग को मिल रहा है, चूंकि अब y का मान मिल रहा है y = 0, तो इसलिए अब हम लोग इस समीकरण में y की जगह पर यहाँ पर 0 रखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4x-3, अब y की जगह पे क्या रख देंगे 0 = 12, यानी कि 4x और 0 से गुना होगा तो खत्म, = 12, यानी कि x बराबर हो जाएगा 12/4, यानी कि x बराबर ये काट लीजिए 4×3=12, x बराबर कितना आ गया 3, तो यहाँ भर देंगे 3। अब हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि अब x का मान देखिए x के सामने 6 है तो x बराबर 6 मिल रहा है, x बराबर 6, तो इसलिए हम लोग समीकरण ये है और इसमें हम लोग x यहाँ पर 6 रखेंगे, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 4×6-3y = 12, या 4 में 6 से करेंगे तो 4×6=24-3y = 12, या -3y = ये 12 के तरफ 24 को भेजेंगे तो -24, या -3y = 24 में से 12 गया -12 होगा, या y = -12/-3, इसको काट देंगे 3×4=12, और -से - कट जाएगा तो y = क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ हम लोग y की जगह पे क्या भर देंगे 4। तो देख लीजिए इस तरह से हम लोग क्या किए, सारणी को पूरा कर लिए। अब दो का दूसरा भी सारणी पूरा करना है, तो अब तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, चलिए उसको देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे दो का दो, कड़े सारणी 3×x+1 = y के लिखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करें, यानी कि ये तीन जगह में लोग को भरना है, यानी x का मान दिया तो y का मान निकालना है, y का दिया तो x का, y का दिया तो x का, ठीक है। आइए हल करते हैं। तो हल में हमें मिल रहा है समीकरण 3×x+1 = y। अब चूंकि आप सारणी से देखें तो यहाँ पर x मिल रहा है ना, तो देखिए x बराबर 0, तो इसलिए जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हम लोग रख देंगे 0, यानी कि 3×0+1 = y, या 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3×1 = y, तो 3×1=3 = y, तो यहाँ y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 3, ठीक है। अब चूंकि आप दूसरे बॉक्स में देखिए यहाँ y का मान दिया हुआ है y = 0, तो लिखिए y = 0, इसलिए हम लोग यहाँ पर y का मान रखेंगे 3×x+1 = y की जगह पर रख देंगे 0, या ये 3 को बराबर की से भेजेंगे तो इधर बचेगा x+1 और यहाँ हो जाएगा 0/3, या x+1 = 0 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0, तो x बराबर
प्लस वन बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। चलिए तो यहाँ भर देंगे हम लोग माइनस वन। अब हम लोग दे रह चुकी है, देखिए y के सामने 9 है तो y बराबर 9, तो इसलिए हम लोग समीकरण में y की जगह पे यहाँ पर रख देंगे 9, तो ये हो जाएगा इसलिए 3 इंटू एक्स प्लस वन बराबर 9, या अब 3 को यहाँ गुना और इधर भेजेंगे तो भाग करेगा, तो एक्स प्लस वन कोष्ठक हटा देते हैं तो 9 और 3 यहाँ आकर गुना कर लेगा, तो 3 तरीके 9 या x प्लस वन बराबर 3, तो x बराबर 3 और प्लस वन इधर आएगा तो माइनस वन, तो x बराबर 2, तो यहाँ क्या भर देंगे 2। तो इस तरह से हम लोग क्या दूसरे के दूसरा भी सारणी पूरा कर लिया। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग इस प्रश्नावली के तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। कड़े यदि 3x प्लस 7y बराबर 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए और जांच कर बताइए कि बिंदु 3, -2 इस समीकरण के लेखा चित्र पर है कि नहीं। तो हम लोग को पहले समीकरण को y के रूप में व्यक्त कर देना है, यानी कि y को x के रूप में व्यक्त कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लेंगे, हल 3x प्लस 7y बराबर 14, ठीक है। या हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को y को x के रूप में लिखना है तो x वाले मान को उधर भेजेंगे, तो 7y इधर रहेगा और 14 के तरफ ये चला जाएगा -3x, या y को इधर रहने दिया जाए तो ये हो जाएगा 14 -3y और गुना और यहाँ कर ये बटन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो y को x के रूप में लिखना था लिख दिया। अब हम लोग कर रहे हैं, अब ये बिंदु कर रहा है, बिंदु दिया है 3 -2, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 3 और y बराबर -2। हम नीचे में यहाँ हल करते हैं, तो अगर हम लोग इस समीकरण में, इसलिए अगर y की जगह पे हम लोग रख दें -2 और इक्वल टू यहाँ रखे 14 -3, तीन आप फिर सॉरी यहाँ है x होगा, y दिखाया गया x होगा, तो 3 अगुणे x की जगह पर रख देंगे 3, हो जाएगा 3/7। तो हम लोग इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 14 -3 तरीके 9/7, यानी कि 14 में से 9 गया, बचेगा 5/7। देखिए ये मान इसके बराबर नहीं आ रहे ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि बिंदु 3 -2 लेखा चित्र पर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह मान इसके बराबर आना चाहिए था, नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखेंगे चार नंबर प्रश्न को देखेंगे। बताएं कि निम्नलिखित युगपल समीकरण को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक या समानांतर या समपाती है, ठीक है। तो हम लोग को छेदक समानांतर या समपाती बताना है, तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न को हल करूंगा। तो एक नंबर में हम लोग ए बराबर क्या निकालेंगे, देखिए पहले समीकरण में ए बी सी होगा, तो ए बराबर बताइए तो क्या होगा 6, बी बराबर क्या होगा तो -3, सी बराबर क्या होगा तो -10 इधर आएगा तो +10, उसके बाद डी बराबर हो जाएगा 2, ई बराबर हो जाएगा -1 और एफ बराबर के इसे 9 आएगा, -9 तो 9 हो जाएगा। तो हम शर्त को देखेंगे, शर्त चेक करेंगे, तो ए बटे डी इजकल टू बी बटे ई इजकल टू सी बाई एफ के अनुसार बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा 6/2, या हो जाएगा -3/-1 और यहाँ हो जाएगा 10/9। तो यहाँ काट सकते हैं 3 बार में, ये -- कट जाएगा, यानी 3/3/10/9। तो यहाँ देखिए 3 तो बराबर है 3 के, लेकिन ये नहीं है बराबर, यानी कि ये शर्त बन रहा है, तो ए बटे डी इजकल टू डी बटे ई नॉट इजकल टू सी बाई एफ, इसके अनुसार इसका कोई हल नहीं, यानी कि ये समांतर होगा, इसका लेखाचित्र समांतर होगा, ठीक है। अगर हम दूसरे में देखें तो पहले समीकरण से एक बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 5, बी बराबर हो जाएगा -4 और सी बराबर हो जाएगा 8,
और दूसरे समीकरण से डी, ये डी का मान होगा तो डी बराबर हो जाएगा 7, ई बराबर हो जाएगा 6 और ए बराबर हो जाएगा -9। तो हम लोग शर्त के अनुसार बैठाएंगे तो ए बटे डी इजल टू बी बटे ई और इजल टू सी बाई। तो यहाँ जब हम लोग मान बैठाएंगे तो 5/7 इजल टू -4/6 इजल टू 8/-9 हो जाता है। इसे काट भी सकते हैं हम, 2 × 4 = 6, तो ये हो जाएगा 5/7 इजल टू -2/3 इजल टू 8/-9। तो यहाँ देख रहे हैं कोई बराबर नहीं है एक दूसरे के, नहीं बराबर है। तो जब कोई बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब होता है अविरोधी, और विरोधी का मतलब प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी इसका लेखा चित्र होगा। हम लोग तीसरे को देखेंगे। पहला समीकरण है 9L + 3M + 12 = 0 और दूसरा समीकरण है 18L + 6M + 24 = 0। तो जब हम लोग तीसरे नंबर को हल करेंगे तो ए बराबर, पहले समीकरण से ए बराबर हो जाएगा 9, बी बराबर हो जाएगा 3 और सी बराबर हो जाएगा 12। और डी, दूसरे समीकरण से डी निकलेगा यानी 18, ई बराबर हो जाएगा 6 और एफ, ए बराबर हो जाएगा 24। इसलिए हम लोग शर्त के अनुसार चेक करेंगे तो शर्त बराबर लिखेंगे ए बटे डी इजकल टू बी बटे ई इजकल टू सी बाई एफ। ठीक है, तो ए का मान बैठाएंगे 9/18, बी के जगह बी 18 हो जाएगा, यहाँ बी बी के जगह पे लिखेंगे 3/6 और इजकल टू 12/24। ठीक है, इसलिए ये मान हो जाएगा। अब मान कटाएंगे तो 9 × 18, 3 × 6 और 12 × 24। इस तरह से 1/2, 1/2 और 1/2 प्राप्त होगा। तो आप लोग देख लीजिए, यानी कि ए बटे डी इजकल टू बी बटे ई और इजकल टू सी बाई ए प्राप्त हुआ। जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो ऐसी परिस्थिति में अनगिनत हल होगा, जिस एक दूसरे के तीनों बराबर हो गए तो संपाती होगा। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक प्रश्नों को हल किया। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।